डॉक्टर मयूर जैन कुशल कार्डियकिया थाने से। आज मैं चाहता हूँ बात करना टावी पे या टावर। टावी मतलब ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट। इसका मतलब है कि बिना सर्जरी के, बिना बड़े स्कार के आपके एक वाल को रिप्लेस किया जाता है, लाइक एन एंजियोप्लास्टी। तो ग्रोइन या मतलब आपके फीमोरल आर्टरी से एक कैथेटर जाता है जिसके जरिए एक स्टेंट पे लगा हुआ वाल आपके जो ओरिजिनल वाल है वहाँ फिट किया जाता है। तो जो ओरिजिनल वाल जो खराब है उसको पहले बलून से बड़ा किया जाता है, उसी की जगह ये स्टेंट लगाया जाता है जिसमें वाल लगी है, एंड उससे पेशेंट की जो तकलीफें हैं वो सारी कम हो जाती है। तो इसका जरूरत क्या था जब ओपन हार्ट सर्जरी हो सकता था या वाल रिप्लेस हो सकता था? पहले हमने ये देखा कि ये दुनिया में जाना गया कि सभी पेशेंट्स का वाल रिप्लेस नहीं हो सकता। कुछ पेशेंट्स अपनी बॉडी से इतने खराब होते हैं या उनको इतने कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे किडनी के कॉम्प्लिकेशन हो गए, लंग्स के कॉम्प्लिकेशन हो गए, लंग्स बहुत खराब है, फुफ्फुस बहुत खराब है, तो उनको वेंटिलेटर पर नहीं रखा जा सकता और वाल रिप्लेसमेंट के लिए वेंटिलेटर पर डालना जरूरी है। कोई भी बड़ी सर्जरी के लिए वेंटिलेटर पर डालना जरूरी है। कुछ पेशेंट्स का ब्लड काफ़ी थिन होता है, कुछ पेशेंट्स का ब्लॉकेज भी बहुत ज़्यादा होता है और कुछ पेशेंट्स में अधिक अलग बीमारी होती है जिसके कारण ये सर्जरी नहीं हो सकता। तो ऐसे पेशेंट्स पहले हम लाचार थे, मेडिकल डिपार्टमेंट में वो लाचार था कि हम इनके लिए कुछ नहीं कर पाते थे, बस दवाइयाँ देते, और दवाई से वाल ठीक नहीं हो सकता क्योंकि इट इज़ अ मैकेनिकल प्रॉब्लम, वो दवाई से ठीक नहीं हो सकता, उसको रिप्लेस किए बिना कोई दूसरा इलाज। बट फिर धीरे धीरे ये डेवलप हुआ टावी, और ये जब पहला इंसान में लगाया गया था उसके बाद से इसके ऊपर काफ़ी ट्रायल्स हुए, और ट्रायल्स में इसको पहले अप्रूव किया गया सिर्फ एकदम क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए जिसमें वाल सर्जरी नहीं हो सकता। फिर ये ट्रायल आगे बढ़ता गया तो ये पता चला कि अभी इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू इंटरमीडिएट एंड लो रिस्क पेशेंट्स ऑल्सो। सो ये मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ कि हम कुछ पेशेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं जिनमें हमने देखे हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स, एंड बेस्ट पार्ट है इस सर्जरी का कि ये रिप्लेसमेंट होने के बाद सेकेंड या थर्ड डे पेशेंट वॉक कर सकता है। इनफैक्ट हम थर्ड डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, सो द रिकवरी इज वेरी फास्ट। दूसरे फायदे है कि ओपन सर्जरी नहीं होता है, ओपन हार्ट नहीं होता है, स्कार बड़ा नहीं होता है। थर्ड थिंग, ब्लड लॉस काफी कम होता है, तो ब्लड रिप्लेसमेंट का थेरेपी का जरूरत बहुत कम लगता है। पेशेंट को बहुत सी बार 60-70% केसेस में हमको वेंटिलेटर पर नहीं डालना पड़ता, तो हमको अगर लंग्स खराब भी है पेशेंट के तो भी हम ये टावी कर सकते हैं। अगर पेशेंट को दूसरा कोई प्रॉब्लम जैसे किडनी का प्रॉब्लम है या पेशेंट बहुत थिन है, फ्रजाइल है, तो वॉल रिप्लेसमेंट में सर्जरी में प्रॉब्लम आता है, बट टावी में वो प्रॉब्लम नहीं आता। टावी के भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। टावी का स्टेंट अगर बड़ा डाल दिया गया गलती से तो हार्ट के बीट्स कम हो सकते हैं, लेकिन उसका इलाज है, उसमें पेसमेकर लगाया जाता है। और कॉम्प्लिकेशंस है इसके एक्सेस साइड कॉम्प्लिकेशन, मतलब जहाँ से टावी किया जाता है वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकता है, वहाँ पे बलून बन सकता है, सो वहाँ स्टेंट लगाना पड़ सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, ये सारे भी कॉम्प्लिकेशन है टावी के। बट ये कॉम्प्लिकेशन रेट इज लेस देन 2%, सो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम। मेरे हिसाब से टावी या टावर इज अ ब्रेक थ्रू इन मेडिकल इंडस्ट्री, और ये पेशेंट केयर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ताकि जो पेशेंट का पहले वॉल रिप्लेस नहीं हो सकता था सर्जरी की फिटनेस नहीं होने के कारण, उनको अभी हम टावी करके उनका वॉल रिप्लेस कर सकते हैं। यह टावी माइटल वॉल में भी यूज होता है, जब आपकी माइटल वॉल पहले सर्जरी हुआ हो या कोई वॉल लगाया गया हो पहले बायोप्रोस्थेटिक वॉल, वो जब खराब हो जाता है तो उसी में हम ये एओर्टिक वॉल वाला वॉल लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं PTMV, सो परकुटेनियस ट्रांसफीमोरल या ट्रांससेप्टल माइटल वॉल रिप्लेसमेंट। सो ये भी होता है बट वो रेयर केसेस में होता है। अभी ये टावी जो रिप्लेसमेंट सर्जरी आया है इससे पेशेंट को काफी फायदे हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स का भी ये सर्जरी हो सकता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस बहुत कम है। पेशेंट अगर अनफिट है सर्जरी के लिए तो भी उसका ये सर्जरी हो सकता है, टावी हो सकता है, अगर ये पेशेंट एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट मतलब बड़ी सर्जरी के लिए अगर पेशेंट अनफिट है, पेशेंट फ्रजाइल है या लीन है, बॉडी वेट कम है, तो भी ये सर्जरी हो सकता है। पेशेंट का स्टे हॉस्पिटल में बहुत छोटा होता है और पेशेंट का डिस्चार्ज अर्ली होता है, पेशेंट अर्ली मोबिलाइज होता है, ये सारे फायदे हैं टावी के। और कोई आपको अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट जा सकते हैं जिसमें इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। धन्यवाद।